की, नहीं किसी के बाप की। शर्म से टकराएंगे, चूर चूर हो जाएगा। शर्म से टकराएंगे, चूर चूर हो जाएगा। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप। क्या सरकार के जो दलाल बैठे हैं उन्हें कुछ पता नहीं है? तो मिंटू मिंटू को पता, उन्हें हर चीज की पता है। वो नजरअंदाज करते हैं किसानों को, नारा देते हैं जय जवान जय किसान, और इन दोनों का ही हनन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सोविंडो कहे जाने वाले नोएडा में एक बार फिर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिए हैं। नोएडा में जहां बख्तावरपुर और सदरपुर में किसानों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं नोएडा प्राधिकरण पर भी दर्जनों गांवों के किसानों का 12 फरवरी से आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में 24 फरवरी को दर्जनों किसान बसों में सवार होकर सेक्टरों में पहुंचे और बिल्डर्स के काम रुकवा दिए। इस मौके पर किसानों ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण एक दशक बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सका है। जी, हमारी समस्या है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं किसान, हमारी ना ही तो 10% मिली है, ना ही 5% मिली है। हमें जो हमारे घर है रहने के, हमारी जो आबादी है उसमें नोएडा नाम दर्ज है। हमें अपने मकानों में अपना ही नाम चाहिए और ना ही हमारे यहाँ कोई विकास हुआ है। अच्छा, ये जो आपकी समस्या है कब से है आपको? इस आपकी जमीन जो आपकी जो मकान है वो एक्वायर कर लिए गए हैं, आपने वहाँ पे इसकी शिकायत दर्ज कराई नोएडा प्राधिकरण में? जी, कई बार कराई, कोई नहीं सुनता हमारी। अफसर क्या कहते हैं इस बारे में? ये कहते हैं हो जाएगा, कुछ देते नहीं है, किसानों को बहला फुसला के भेज देते हैं। अच्छा, जो आपके मकान है, जो आपके जो घर दुकान है वो तोड़ दिए जाते हैं बिल्डर चला करके, ये आपने योगी सरकार से बताई समस्या? जी, सब कुछ पता, जब इतना काम रोक गया, सरकार को पता नहीं है? हर क्या सरकार के जो दलाल बैठे हैं उन्हें कुछ पता नहीं है? तो मिंटू मिंटू को पता, उन्हें हर चीज की पता है। वो नजरअंदाज करते हैं किसानों को, नारा देते हैं जय जवान जय किसान, और इन दोनों का ही हनन हो रहा है। आज मोदी सरकार कहती है कि हर गरीब को घर मिलेगा, क्या लगता है आपको? आपके घर तोड़े जा रहे हैं? जी, घर कहाँ मिल रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, घर मिलने की बजाय तोड़े जा रहे हैं। जोड़े नहीं जा रहे, तोड़े जा रहे हैं। आधे गांव में पानी की सप्लाई नहीं है जी। अब हमारी असली मांग है, हमारे 10% के प्लॉट अपने ही गांव में चाहिए। जिस गांव के जमीन है उसी गांव में हमें अपने 10% के प्लॉट चाहिए, और पूरी कॉलोनी सदरपुर गांव सब गांव में विकास चाहिए, सड़क सीवर सप्लाई का पानी और रोड चाहिए। अच्छा, जो यहां के विधायक हैं सांसद हैं वो क्या कहते हैं समस्या को लेकर? कुछ नहीं कहते, कभी नहीं आके देखते, कभी नहीं आके कुछ नहीं देखते। जो उनके दो चार होते हैं, जा जाके पहुंच गए हम, 10 लेट से पहुंच गई, एक भी नहीं आग, नाली नाप नाप के ले गए। आज यहाँ पे सूचना थी काम रुकवाने की? हाँ। किसने दी थी सूचना को काम रुका जाएगा यहाँ पे आज? अधिकारियों की सूचना थी। शासन प्रशासन को चाहिए कि किसानों की मांगों को प्राथमिकता के तौर पर निस्तारित कर विकास कार्यों को शुरू किया जाए। नोएडा से नेशनल लीडर के लिए ओमदेव की रिपोर्ट।